आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मनोज तिवारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सांसद भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र फडणवीस को बहुत बधाई, क्योंकि वो क्लियर मेजोरिटी में बहुत आगे हैं और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और साथी शिवसेना की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सीधे सीधे एक प्रश्न करता हूँ, आपका एक बयान मैंने सुना कल, मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया, और कलाकार ईमानदार आदमी होता है तो ईमानदारी से बोलता भी। जब आपने सपा से चुनाव लड़ा तो बयान दिया बड़ा कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया, ऐसे नेताओं को मुंह की खानी चाहिए, यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अब आपकी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं रही। नहीं नहीं, पर अब आपकी राजनीतिक, मेरे को पूरा होने दो, आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं, कहाँ दिया मैं? वीडियो है भाई साहब मेरे पास, वीडियो दिखाई, अभी दिखाई, दिखाई दो, अभी दिखाई, लो जी चलवा दो भाई। अनर्गल तो बोलते नहीं भाई साहब, नहीं हमें देखना है। नेता कई बात भूल जाते हैं, गलत गलत गलत, जो भूल जाते हैं वही नेता बनते हैं। यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का, और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो हाँ। आप देखो, देखते रहिए, हम तो आप अच्छा दिखा रहे हैं, और हम आशा करते हैं, अभी ज्यादा बोला नहीं जा रहा है हमसे, क्या बोल सकते इस समय, तो जरा संभल के। नहीं नहीं, बिल्कुल हम संभल के ही हैं, और अभी तो कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी अंजना जी, क्योंकि हर मिजाज के हिसाब से अपने गाने जरूर तैयार रखते हैं आप, चाहे दुख का विषय हो, बहुत खुशी की बात हो, या खुद को ढांढस बंधाना हो, तो मैं चाहूंगी कि जरूर चार लाइनें अभी जो ये पसोपेश की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके लिए क्या सुनाएंगे दर्शकों को आप? बम्बई से बोलत बानी, बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा, दादी से बताए दी हा, मंगरुआ बीमार बा, दादी से बताए दी हा, मंगरुआ बीमार बा, चपल चपल मार ले बिया, मुहुआ उनकर लाल बा, छिदिका मजाक कर चगा छेदिया ना घाव लगला मजाक करत रहे, घाव तनिका लागल बाटे, गाल थोड़ा लाल बा, गाल थोड़ा लाल बा, दादी से बताए दी हा, मंगरुआ बीमार बा, दादी से बताए दी हा, मंगरुआ बीमार बा। चलिए मनोज जी, आखिरी सवाल जाते जाते पूछता हूँ, एक वन लाइनर जवाब चाहूंगा आपसे। अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? ज्यादा बोला नहीं जा रहा है हमसे, क्या बोल सकते इस समय? मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।